अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैनवस गैलरी में बिलिंडा ईटन के शो में आए हुए हैं। बिलिंडा जो हैं वो एक बहुत नामवर आर्टिस्ट हैं जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और वो रहती हैं इस वक्त वो उनका क़याम है स्पेन के अंदर। बिलिंडा जो है एक फिगरेटिव आर्टिस्ट हैं, बहुत खूबसूरती से आप एक समझिए एक फिगरेटिव काम करती हैं जिसमें एक्सप्रेशंस, जो लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो उनका बैठने का तरीका होता है, जो ड्रेपरी होती है, जो डिटेलिंग होती है, उसको बहुत ही तरीके से वो करती हैं। जो उनका कलर प्ले है, जिस तरह से वो कलर्स को मर्ज करती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मखसूस किस्म का है। बहुत अगर आप इनके काम को देखें तो एक आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप जिन्होंने मॉडल्स इस्तेमाल किए हैं, आप उनको पहचानते हैं, आप उनको जानते हैं या आप उनकी सोल के अंदर तक देख सकते हैं, क्योंकि इनकी आंखों के अंदर से वो एक्सप्रेशन बहुत अच्छी तरह से झलकते हैं। एंड लाइक आई सेड, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान में 90s में रहती थी और इन्होंने ताल्लुकात बनाए रखे हैं पाकिस्तान में। तो ये इनका शो जो है ये 18 अक्टूबर तक है, ज़रूर आके देखिएगा। आई एम अ ग्रेट एडमायर ऑफ बिलिंडा ईटन्स वर्क। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम बिलिंडा का बहुत अरसे बाद काम किसी गैलरी में एज अ सोलो शो के तौर पे देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये कि हम स्टूडेंट को यहाँ भेजते हैं एज अ पेंटिंग के रेफरेंसेस के लिए, और जब भी कोई काम दिखाना होता है बिलिंडा मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर होती है कि हम बिलिंडा का काम उनको दिखाएँ, कि वो इतनी अच्छी पेंटेडली क्वालिटी है स्ट्रोक्स के अंदर और वो हर लेवल पे उसकी कॉम्पोजिशन और हर चीज़ उसकी इतनी बेहतरीन होती है कि हर जगह पे हम स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा बिलिंडा का काम दिखाते हैं। इज़ अ ग्रेट ऑनर कि वो काफ़ी अरसे पाकिस्तान में कराची में रह के जा चुकी हैं और वो ऑन करती हैं कि कराची इस सिटी को, इस लाइफ को। सो इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सी हर वर्क अगेन एज अ सोलो शो। थैंक यू।